मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से, गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। लोकसभा चुनाव, भागलपुर में मतदान आज हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी, हेल्पलाइन नंबर भी हुआ जारी। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होगा। यहां 9 प्रत्याशी हैं। मुख्य मुकाबला महागठबंधन से राजद उम्मीदवार और एनडीए से जदयू के प्रत्याशी के बीच है। भागलपुर, नौगछिया और बांका में हेलीकॉप्टर से चुनाव की निगरानी भी होगी। भागलपुर और नौगछिया के दियारा इलाके में पारामिलिट्री की तैनाती की गई है। नदी मार्ग में असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए भागलपुर और नौगछिया में 8 मोटर बोट से भी गश्ती की जाएगी। सभी बूथों पर मतदाताओं की मदद के लिए होमगार्ड, आशा, स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट को लगाया गया है। जानकारी संवाददाता सम्मेलन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने दी। मौके पर भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती, नौगछिया के एसपी निधि रानी, डीडीसी सुनील कुमार और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी उपस्थित थी। डीएम ने कहा कि भागलपुर और नौगछिया में अर्धसैनिक बल और बीएमपी की 42 कंपनियों की तैनाती की गई है। भागलपुर में 18 कंपनी अर्धसैनिक बल और 12 कंपनी बीएमपी तथा नौगछिया पुलिस जिले में 6 कंपनी अर्धसैनिक बल और 6 कंपनी बीएमपी को लगाया गया है। डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों के लिए सामग्री का भी वितरण हो गया है। सामग्री वितरण के लिए 7 केंद्र बनाए गए थे। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान आज, मतदान के लिए माने कई हैं दस्तावेज, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो आप भी जाकर करें वोट। गोसाईगांव समाचार द्वारा भी आप सबों से अपील की जा रही है कि आप आज लोकसभा चुनाव लेकर अपने बूथ पर जाकर मतदान जरूर करें। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज है तो आप कर सकते हैं वोट, जिनमें वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मियों के लिए जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा ली फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड। भागलपुर लोकसभा सीट आज बंद हो जाएगा प्रत्याशियों के भाग का फैसला। पिछले चुनाव की तुलना में इस लोकसभा चुनाव में नेताओं ने गांवों को फोकस किया। हवाई अड्डे में पीएम की, वायुसेना की 3 हेलीकॉप्टर सहित जिले में अलग अलग क्षेत्रों में कुल 32 हेलीकॉप्टर उतारा। शहरी क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के अलावा राजद और एनडीए की नामांकन सभा हुई। सेंडिस कंपाउंड में दोनों बड़े दलों की एक एक सभा के बाद मैदान से माइक की गूंज लोगों ने नहीं सुनी। आमतौर पर चुनाव अवधि में सेंडिस कंपाउंड का मैदान नेताओं के शोरगुल से गूंजा यह मान रहता है। इस बार नेताओं का भाषण और प्रचार का केंद्र गांव रहा। प्रचार के अंतिम दौर में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी 12 अप्रैल को शहरी क्षेत्र में रोड शो किया। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी के प्रचार के लिए पार्टी ने 12 हेलीकॉप्टर उतारे, वहीं एनडीए ने 20 हेलीकॉप्टर उतारे। इसके अलावा दोनों दलों के कई नेताओं ने सड़क मार्ग से क्षेत्र भ्रमण कर चुनाव प्रचार किया। राजद ने नाथनगर, कहलगांव, शाहकुंड, नारायणपुर, गोराडी, सनौला, नौगछिया, सुल्तानगंज, जगदीशपुर, पीरपैंती और हवाई अड्डे में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति ली। वहीं एनडीए की ओर से जदयू ने सिर्फ हवाई अड्डे में 10 बार हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति ली। इसके अलावा एनडीए ने शाहकुंड, नारायणपुर, जगदीशपुर, रंगरा चौक, सुल्तानगंज, खरी, कहलगांव, गोराडी, रंगरा में अनुमति ली। एनडीए की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ, सह संगठन मंत्री शिव नारायण प्रसाद भी हेलीकॉप्टर से आए और सभा नहीं कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। महागठबंधन के सभी नेता चुनाव प्रचार के लिए ही उतरे। का में मतदान के 24 घंटे पहले इंटरसिटी को पलटाने की साजिश नाकाम। मतदान के एक दिन पहले बाकाम इंटरसिटी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश को ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया। दहशतगर्दों ने बुधवार सुबह में बाका मुडहरा स्टेशन के बीच 100 फीट तक ट्रैक से 96 पेडॉल क्लिप खोल दिया था। ग्रामीणों की सूचना पर रेलवे ने 2 घंटे के अंदर सभी पेडॉल क्लिप लगाकर गाड़ियों का परिचालन शुरू कराया। मामले में भागलपुर रेल थाना में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज भी कराया गया है। ट्रेन में गुरुवार को
बांका में होने वाले मतदान को संपन्न कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में जवान सवार थे। दरअसल सुबह 6:20 पर ग्रामीण एमपी यादव और अन्य ने रेलवे ट्रैक पर दर्जनों पेडॉक क्लिप फेंका देखा। इसकी सूचना उन्होंने मुढ़ारा स्टेशन को दी। मुढ़ारा स्टेशन ने यह जानकारी बांका एसएम को दी। इस बीच राजेंद्र नगर टर्मिनल आ रही 132/42 डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस को मुढ़ारा स्टेशन पर रोक दिया गया। बांका से गैंगमैन और ट्रैकमैन पहुंच गए, दोनों ने जांच की तो होश उड़ गए। पीडब्ल्यूआई के सिंह ने बताया कि 2 घंटे के अंदर 96 पेडॉल क्लिप को लगा दिए गए। वहीं मुढ़ारा स्टेशन अधीक्षक संजीव स्नातक ने बताया कि पटरी ठीक होने के बाद रेल का परिचालन शुरू कर दिया गया। इधर घटना के बाद भागलपुर RPF जाँच करने पहुंची। रेल SP ने इस घटने के पीछे नक्सली और शरारती तत्वों का हाथ बताया। कहीं नक्सलियों के निशाने पर ट्रेन में सवा जवान तो नहीं, इस तरह की चर्चाएं लोगों में और प्रशासन में बनी रही। जवानियत, भागलपुर में बाप ने छोटे बेटे संग मिलकर बड़े बेटे को गड़ासे से काटकर मार डाला। भागलपुर के गोराडी में घरेलू विवाद में छोटे बेटे के साथ मिलकर माँ और बाप ने अपने ही बड़े बेटे की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। घटना कोराडी में तांती टोला में मंगलवार शाम करीब 4:30 की है। घटना के अनुसार घर में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद बाप शिव नारायण मंडल, छोटा भाई आशीष मंडल और माँ हीरा देवी ने मिलकर 25 वर्षीय सुरेश मंडल और उसकी पत्नी पर गड़ासे से हमला कर दिया। इस दौरान गड़ासे से हुए हमले में जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं उसकी पत्नी उसे बचाने का प्रयास करती रही और वह भी घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुरेश को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों को का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। चला है न्यूज ब्रेक का, आइए मिलते हैं 30 सेकेंड के न्यूज ब्रेक के बाद। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर, सबौर, भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739555। नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान माँ अम्बे इंटरप्राइजेज, तित्री दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नया टोला नवगछिया। भागलपुर नगर निगम में हंगामा, अब डिप्टी मेयर भी नगर आयुक्त के खिलाफ थाने पहुंचे। नगर आयुक्त के चैम्बर में सोमवार को हंगामा होने और दोनों तरफ से केस दर्ज कराए जाने के बाद अब डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीना और कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए जोगसा TOP में लिखित आवेदन दिया। TOP प्रभारी ने बताया कि वे थाने पर नहीं हैं, इसलिए आवेदन नहीं देख सके हैं। रात 9 बजे तक केस दर्ज नहीं हो सका था। डिप्टी मेयर ने आवेदन में लिखा है कि सामान्य बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त के नहीं आने पर दोपहर 12:40 पर वे कुछ पार्षदों के साथ नगर आयुक्त के चैम्बर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभा कक्ष में पार्षद इंतजार कर रहे हैं, उनके सम्मान के संबंध में विचार करना चाहिए। इतना कहते ही नगर आयुक्त आग बबूला हो गए और सुरक्षा गार्ड से सभी को बाहर करने का निर्देश दिया। वहीं डिप्टी मेयर का कहना है कि नगर आयुक्त के ऐसा कहने पर उन्होंने नगर आयुक्त से कहा कि उनका इस तरह का व्यवहार देखकर निगम कर्मियों के समक्ष कैसा संदेश जाएगा। ऐसा कहने पर नगर आयुक्त ने उन्हें धक्का दिया और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। आवेदन में लिखा है कि कार्यालय अधीक्षक भी उनके सुर में सुर मिलाकर डिप्टी मेयर से कहने लगे कि तुम्हारा वह हाल कर देंगे जो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। डिप्टी मेयर का कहना है कि नगर आयुक्त ने खुद के बारे में अनुसूचित जाति का होने का और उनका काटा हुआ आदमी जिंदा नहीं रहने की भी बात कही। बिहार का गौरव
बाबा बिसु राउत महोत्सव 2019 का समापन। पर 17 अप्रैल को राज्य स्तरीय मेला बाबा बिसु राउत का समापन हो गया। यह मेला 3 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से चला। प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन 14 अप्रैल से शुरू होता है एवं 16 अप्रैल को समापन होता है। वहीं अंग्र प्रदेश और कोशी के सीमावर्ती भागलपुर जिला के चौसा प्रखंड अंतर्गत लौवा लगाम एवं भागलपुर जिले के नौगछिया प्रखंड से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा बिसु राउत पचरासी स्थान परिचय का मोहताज नहीं है। यहां नेपाल, कोलकाता एवं बिहार के विभिन्न जिलों भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, नालंदा, कटिहार, बक्सर सहित सभी जिलों के पशुपालक श्रद्धालु बाबा बिसु को दूध चढ़ाने के लिए काफ़ी दिनों पहले अपने घरों से निकलते हैं एवं सभी श्रद्धालु निश्चित सह निर्धारित समय पर बाबा बिसु राउत मंदिर पहुंचकर दूध चढ़ाते हैं। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनुमंडलीय पदाधिकारी SZ हसन, DSP CP यादव, BDO शिल्पी कुमारी, बेघा CO आशुतोष कुमार, थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल, SI भूपेंद्र प्रसाद, SI हबीबुल्ला अंसारी, ग्रामीण पुलिस मृत्युंजय कुमार समेत अन्य सुरक्षाकर्मी व मेला पदाधिकारी मेले में लगातार तैनात रहे। नौगछिया भागलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत नौगछिया अनुमंडलों के सभी बूथों पर चुनाव। आज सभी मतदान कर्मी सामग्री को लेकर पहुँच गए अपने केंद्र। गुरुवार को नौगछिया अनुमंडल के सभी बूथों पर मतदान कर्मी सामग्री को लेकर पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा के बीच जहां चुनाव आज संपन्न होगा। नारायणपुर नवटोलिया के होमगार्ड जवान का ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ा, इलाज के दौरान मौत, घर में मातम। नौगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना में तैनात गृह रक्षक जवान नवटोलिया निवासी 45 वर्षीय विनोद चौधरी की मंगलवार को मथुरापुर बाजार में ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत खराब होने पर गार्ड प्रभारी अनिल कुमार झा ने बगल के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज बताया, बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। घर वालों को सूचना मिलते ही आनन फानन में ग्लोकल अस्पताल भागलपुर लेकर गया, जहाँ इलाज के दौरान मंगलवार को ही देर रात उनकी मौत हो गई। विनोद चौधरी ने 1989 में होमगार्ड पद पर योगदान दिया। 4 माह पूर्व भवानीपुर OP थाने में प्रतिनियुक्ति हुई थी। वहीं मथुरापुर बाजार में लाठी बल में तैनात थे। मौत की खबर सुन मुखिया प्रतिनिधि प्रीतम मिश्रा, सरपंच प्रतिनिधि संजय सहनी, समाजसेवी श्यामनंद गुप्ता, अरविंद चौधरी सहित दर्जनों लोगों ने मृतक के घर पहुंचकर परिवार वालों को ढाढ़स बढ़ाया व संतावना दी। भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, SI शाहिद खान दलबल के साथ गृह रक्षक जवान के परिवार वालों से मिलकर संतावना दिया। नवगछिया बुधवार रात्रि हुई जोरदार बारिश के बाद गुरुवार दिन भर बना रहा सड़कों पर छोटा पोखर, नाले का गंदा पानी बह रहा सड़कों पर। नौगछिया अनुमंडल व नौगछिया शहर के विभिन्न गली व विभिन्न सड़कों पर बुधवार की रात्रि हुई जोरदार बारिश के बाद बारिश के जल के साथ नाले का गंदा पानी मिलकर रोड पर बह रहा। यह नाले का गंदा पानी जहां लोगों को उसके विकास की बात बता रहा है। नौगछिया शहर में नाले का पानी एक छोटी सी बारिश होने के बाद ही सड़क पर बहने लगता है, जिससे लोगों का आवागमन में काफी दिक्कत भरा होता है। नवगछिया 2 लाख रुपए दहेज की खातिर ससुराल वालों द्वारा हत्या कर शव को बोरे में बंद कर कोसी नदी में बहाने का आरोप। नौगछिया थाने के श्रीपुर डोबरा निवासी ज्वाला सिंह की पत्नी चंदा कुमारी
कि 2 लाख रुपए दहेज की खातिर ससुराल वालों द्वारा हत्या कर शव को बोरे में बंद कर कोसी नदी में बहा देने का आरोप परिजनों ने लगाते हुए थाने में लिखित आवेदन दिया है। घटना बीते सोमवार की रात की बताई जा रही है। महिला के पति व माता दिल्ली में रहते हैं। महिला के मामा बाका भदौरिया निवासी मिथिलेश मंडल और सिकंदर मंडल ने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व उनकी भांजी चंदा की शादी श्रीपुर के बिंदेश्वरी सिंह के पुत्र ज्वाला सिंह से हुई थी। शादी के बाद उसे 6 माह पूर्व एक बच्ची भी हुई है। शादी के बाद पति सहित ससुराल वालों द्वारा 2 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। 2 माह पूर्व भी दहेज की खातिर मेरी भांजी के साथ मारपीट की गई थी। उस समय हम लोग गांव में आकर पंचायत भी किए थे। घर वालों ने भविष्य में दहेज की मांग नहीं करने की बात कही थी। बुधवार को चंदा के देवर मुन्ना सिंह की शादी थी जिसमें सभी रिश्तेदार आए थे। हम लोग भी आए थे तो घर में नन्ही बच्ची को देखने पर चंदा की खोजबीन की तो पता नहीं चला घर में सिर्फ महिलाएं ही थी। गांव वालों ने बताया कि चंदा की हत्या कर सबको बोरे में बंद कर कोसी में फेंक दिया गया है। जानकारी मिलने पर लड़की की मां मंदोदरी देवी और पिता विजय मंडल दिल्ली से आ रहे हैं। इंस्पेक्टर लाल बहादुर ने बताया कि थाने में आवेदन दे दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।